हेलो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है IFR 32700 और 32650 लिथियम आयन सिलेंड्रिकल सेल से। ठीक है, यहाँ पे आज हम सेल के बारे में थोड़ा संक्षेप में जानेंगे। सेल क्या होता है? ठीक है, सेल एक ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, इसी को हम सेल कहते हैं। सामान्यतः सेल के दो टर्मिनल होते हैं जिसका सिम्बॉल कुछ इस तरह होता है, कुछ इस तरह होता है। इसको हम बोलते हैं प्लस, इसको बोलते हैं माइनस। प्लस जो टर्मिनल होते हैं, प्लस वाले टर्मिनल को हम कैथोड बोलते हैं, कैथोड बोलते हैं। और नेगेटिव वाले टर्मिनल जो होते हैं इसको हम एनोड बोलते हैं। ठीक है, प्लस वाले को क्या बोलते हैं? कैथोड बोलते हैं, और नेगेटिव वाले को एनोड बोलते हैं। दोस्तों, आज का हमारा ये टॉपिक नहीं है सेल, आज का जो हमारा टॉपिक है IFR 32700 और 32650। ठीक है, हमारे पास एक सेल रखा हुआ है, ठीक है, जिसके ऊपर में प्रिंटेड है IFR 32650 6000 mAh। ये IFR 32650 क्यों लिखा रहता है, इसके जगह पे कुछ और क्यों नहीं लिखा है? ठीक है, तो IFR का क्या, IFR का क्या मतलब है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? IFR का I का मतलब होता है आयन, ठीक है, F का मतलब होता है फेरो, और R का मतलब रिचार्ज एबल। ठीक है, यहां पे लिथियम जो होता है साइलेंट रहता है। क्या होता है? लिथियम साइलेंट रहता है, तो इसको हम पूरा क्या बोल सकते हैं? लिथियम आयन फेरो रिचार्जेबल बोल सकते हैं। ठीक है, और दूसरी जो टर्म है 32650, 32650 में ये जो 32 है, 32 इस सेल का डायमीटर है। क्या है ये जो डायमीटर है, ये सेल का डायमीटर है। और 65 जो है, 65 क्या है? इस सेल की हाइट है। ठीक है, हाइट है ये 65, हाइट है। और 0 रिप्रेजेंट करता है कि ये जो सेल है सिलेंड्रिकल फॉर्म में है। ठीक है, ये सेल क्या है? सिलेंड्रिकल फॉर्म में है। तो हम इसको कुछ इस तरह लिख सकते हैं, 32 क्या है ये? डायमीटर। ठीक है, और 65 क्या है? 65 क्या? हाइट ऑफ सेल। ठीक है, और 0 क्या है? इसको हम ये कैसे कॉल्ड द सिलेंड्रिकल सेल। ठीक है, इसको हम सिलेंड्रिकल सेल कहते हैं, 0 को, 0 का ये रिप्रेजेंट करता है। ठीक है दोस्तों, IFR को हम LFP सेल भी बोलते हैं। ठीक है, LFP का जो फुल फॉर्म होता है लिथियम फेरोफॉस्फेट, लिथियम फेरोफॉस्फेट। ठीक है, ये हमारा जो सेल है लिथियम फेरोफॉस्फेट, ये जो सेल है, इस टाइप के जो सेल है हमारे पास, ये यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव टर्मिनल। ये क्या है? नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है ना, इस पॉजिटिव टर्मिनल पे ही हमारा लिथियम आयन रहता है अवेलेबल। ठीक है, और नेगेटिव टर्मिनल पे जो है ग्रेफाइट रहता है। क्या है? ग्रेफाइट अवेलेबल रहता है। इसका जो केमिकल रिएक्शन क्या है, अंदर की केमिस्ट्री क्या है, इसका मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। ठीक है दोस्तों, आज हम चलते हैं इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। स्पेसिफिकेशन, ठीक है, इस सेल का स्पेसिफिकेशन क्या है? ये जो इसकी जो नॉमिनल वोल्टेज जो होता है 3.2 वोल्ट का होता है। ठीक है, कैपेसिटी जो होती है नॉर्मल कैपेसिटी ये 5500 mAh, ठीक है, 5000 mAh या 6000 mAh, इस टाइप का आता है इसका सेल अक्सर। ठीक है, 5500 mAh, 6000 mAh, 5000 mAh, इस टाइप के मार्केट में अवेलेबल है सेल।
ठीक है, इसको हम 6 AH भी कह सकते हैं या 5 AH भी कह सकते हैं या 5.5 AH भी कह सकते हैं। ये 5.5 AH या 6 AH हमने क्यों लिखा यहाँ पे, इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हूँ, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक ओपन कीजिए और वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं इसका चार्जिंग, चार्जिंग कट ऑफ वोल्टेज, चार्जिंग कट ऑफ वोल्टेज है 3.65, ठीक है। ये अकॉर्डिंग टू डाटा शीट के अकॉर्डिंग हर एक कंपनी का अलग अलग अपना चार्जिंग कट ऑफ वोल्टेज होता है, कोई 3.7 भी लेता है, कोई 3.60 भी लेता है, कोई 3.65 भी लेता है, ये फिक्स नहीं रहता है, ये कंपनी पे डिसाइड करती है कि आप किस कंपनी का सेल यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद डिस्चार्जिंग क्या है, डिस चार्जिंग कट ऑफ वोल्टेज, डिस्चार्जिंग कट ऑफ वोल्टेज 2.5, ये मैंने स्टैंडर्ड लेके चल रहा हूँ अभी मैं, ठीक है। बट अकॉर्डिंग टू डाटा शीट के अकॉर्डिंग ये नहीं होता है, अलग अलग कंपनी की डाटा शीट अलग अलग होते हैं, कि कोई जो लोअर कट ऑफ या डिस्चार्जिंग जो वोल्टेज होती है 2.0 भी लेता है, कोई 2.2 भी लेता है, ये फिक्स नहीं रहता है, ठीक है। मैक्सिमम करंट जो है, मैक्सिमम मैक्सिमम चार्जिंग करंट, चार्जिंग करंट इसको 1C से हम चार्ज कर सकते हैं, और मैक्सिमम डिस्चार्जिंग करंट जो है इसका डिस्चार्जिंग करंट 3C, ये 1C और 3C क्या है इसके बारे में मैं आगे की वीडियो में बताऊंगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद।